पहली टाइप जो है वो दिखाई गई है, इसमें 2x जमा 5 इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट आपका लिखा हुआ क्वेश्चन है। दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। असूल ये होता है कि जजर वाली एक तरफ कर लेते हैं और जजर के बगैर दूसरी तरफ। दोनों का स्केयर जब लिया जाएगा तो ये आप देख सकते हैं 2x जमा 5 का स्केयर लिया है, ये इक्वल है 7x प्लस 16 अंडर रूट का स्केयर। जजर स्केयर के साथ कैंसल हो जाएगा। कैंसल होने के बाद नीचे आप देख सकते हैं 7x प्लस 16 रह गया है और दूसरी तरफ स्केयर खोला है। 2 इनसे का स्केयर खोलेंगे जब जब 4x की 2 जमा 25 आ जाएगा, जमा 2 दूनी 4, 4 5 20 एक्स आ जाएगा। खोलने के बाद इनको ये तमाम जो है म्यारी शक्ल में इसको लिखेंगे। म्यारी शक्ल में लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक्स और एक्स के बगैर वाली सारी एक तरफ ही हों और बराबर 0 आए। म्यारी शक्ल के लिए 4x की 2, 7x को इधर लेके जाऊंगा, दूसरी तरफ 25 में से 7 निकलेंगे, 25 में से तो 13 रह जाएंगे बाकी, और इसके अलावा 25 में से 16 निकल जाएंगे, 25 में से 16 निकलेंगे तो बाकी 9 रह जाएंगे आपका, इक्वल टू 0। फार्मूला पुट करूंगा। फार्मूला जो होता है एक्स बराबर है -b+-b² -4ac आ जाएगा, अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। ये आपका फार्मूला जो है इसमें कीमतें लगाई जाएंगी, आप देख सकते हैं। फार्मूले में कीमतें दर्ज की हैं, -b है, +-b² -4ac अंडर रूट ओवर 2a ये फार्मूला है। b की कीमत 13 है, -13 आ गया, +-b² की कीमत 13, 13 का स्क्वायर है -4, और a की कीमत 4 है। c की कीमत आपके पास देख सकते हैं कीमत कितनी है, वो पुट किया, अंडर रूट लिया हमने और लेने के बाद कीमतों को खोल दिया है। 13 को 13 से ज़रब दूंगा, 169 आएगा, और 4 4 दा 16 और 16 9 दा 144 होता है। 169 में से 144 निकालूंगा, 25 आ जाएगा अंडर रूट में, 25 का अंडर रूट लूंगा, +-5 आएगा।